अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई डू होप यू ऑल आर वेरी वेल, यू ऑल आर फाइन. आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल जो है स्टोरी सुनाने जा रही हूँ. और वो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक गांव था जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी. पानी की बहुत किल्लत थी और वहाँ बारिश काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से वहाँ बारिश नहीं होती थी. गाँव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार किया. तो वहाँ पे एक जो लड़का था, किसी और गांव का था, किसी और इलाके का था, जब उसने लोगों की परेशानी पूछी तो सबने उसे बताया कि इस गांव में पानी की इतनी किल्लत है और इतने साल से बारिश नहीं हुई और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जो है बारिश हो जाए. उस लड़के ने जो है कहा कि मैं दूसरे गांव में, किसी दूसरे बराबर गांव में जो है एक बुज़ुर्ग को जानता हूँ, हम मेरा ये ख्याल है कि हम वहाँ चलते हैं, उनसे पूछते हैं. तो गांव के सारे लोग तैयार हो गए. तो उनमें से जाहिर सी बात है सब लोगों को तो नहीं ले जाया जा सकता था, तो कुछ लोगों को चुना गया. तो कुछ लोगों को जब चुना गया तो फिर गाँव के कुछ लोग जो है उस लड़के के साथ दूसरे गाँव उस बुज़ुर्ग से मिलने चले गए. अब उस बुज़ुर्ग से जब मिलने चले गए तो जब वहाँ पहुँचे, बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, बुज़ुर्ग को सारा मामला बताया, तो बुज़ुर्ग ने उन सब को, गांव वालों को एक जो है कहा कि ये मसला तुम लोगों का हल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को एक बहुत ही जो है आसान काम करना है और बस ये करना है कि जो है तुम लोग रोज़ कल रात रात जो है जो तुम्हारे गांव का करीबी कुआं होगा, सबको कह दो कि वहाँ उसमें बिना देखे, यानी कि जब आप उस कुएं में डाल रहे हो, एक गिलास दूध का डालना है, एक गिलास दूध जो है बिना देखे आप लोग कुएं में डालते रहें और सब गांव वाले से कहें कि एक एक गिलास जो है दूध डालें. इसी तरीके से जब सब गांव वाले करेंगे तो वो कुआं पूरा भर जाएगा और जैसे ही वो भरेगा तो सुबह तक जो है आप लोगों के गाँव में बारिश हो जाएगी. ये बात जो है सुन के गाँव के तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने सोचा कि अच्छा, ये तो बहुत ही आसान काम है, सिर्फ एक गिलास दूध ही डालना है और एक गिलास दूध डालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम सब बारिश के लिए और अगर ऐसा हो गया तो हम जो है दूध डाल लेते हैं. सारे लोग बहुत खुशी खुशी वापस अपने गाँव आए और गाँव आके उन लोगों ने सबको खुशी से ये बताया कि बुज़ुर्ग साहब ने ये फरमाया है कि हम लोग गाँव के तमाम लोग जो हैं एक गिलास दूध करीबी कुएं में डालें और जो है जैसे ही वो कुआं भरेगा तो सुबह ही बारिश हो जाएगी. तो सब लोगों ने कहा ये आसान है, सब करेंगे. तो इस तरीके से ये खबर जो है आग की तरह फैली और तमाम गांव वालों तक पहुंची और तमाम गांव वालों ने वन बाय वन, यानी एक एक करके जाना शुरू किया. और जो है कंडीशन ये थी, और इसमें धोखेबाजी नहीं करनी थी, कंडीशन ये थी और उसे फॉलो करना था, वो ये था कि आपने कुएं में डालते हुए कुएं की तरफ नहीं देखना, किसी एक ने भी अगर ऐसा देख लिया तो बारिश नहीं होगी. इस तरीके से गाँव के तमाम लोग जो है रातों रात कुएं में दूध डालने के लिए गए. अब जो है तमाम लोगों ने जब दूध डाला बिना देखे और कुएं कंडीशन को फॉलो करते हुए कि कुएं में नहीं देखना, तो उनमें से एक शख्स था वो जा रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों मैं दूध का एक गिलास डालूं और सबने तो दूध का गिलास डाला है, तो अगर मैं एक गिलास पानी का डाल दूंगा उसमें तो क्या चला जाएगा. तो उसने ये सोच रखी और ये सोचते हुए वो जो है पानी का एक गिलास लेके चला गया और ज़ाहिर कंडीशन थी नहीं देखना, तो उसने जो है पानी का गिलास उस कुएं में डाल दिया और वो वापस आ गए खुशी से. सब लोग ये सारा अमल करके जो है सो गए, सुकून से सोए कि सुबह जो है सुबह तक बारिश हो जाएगी. सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम होने को थी, बारिश नहीं हुई. सबने बड़ी परेशानी का इजहार किया और बड़ी परेशानी का इजहार किया तो उन लोगों ने दोबारा उस लड़के से रुजू किया जो कि उन्हें उस बुज़ुर्ग के पास ले गया था. तो वो सब लोग दोबारा बुज़ुर्ग के पास गए. बुज़ुर्ग के पास जाने से पहले जो है उन लोगों ने अब कुआं चेक किया, उन लोगों ने कुआं चेक ये किया और ये सोचा कि आखिरकार बारिश क्यों नहीं हुई. सबने कहा जब बारिश हुई नहीं है तो हम कुआं देख लेते हैं और कि कुएं में आखिर ऐसा क्या हुआ या कुआं भरा भी था कि नहीं. तो ये चेक करने के लिए जब गांव के तमाम लोग कुएं के करीब पहुंचे तो उन लोगों ने सब देख के सब जो है हैरान हो गए और ये देखा कि कुएं में दूध का एक गिलास भी नहीं था और जो है कुएं में जो है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था. यानी कि किसी ने भी जो है
दूध नहीं डाला था बल्कि पानी डाला था, और जो सोच उस लालची इंसान के जहन में आई थी कि मैं एक गिलास जो है पानी का डाल दूं तो क्या चला जाएगा क्योंकि सब तो दूध डाल रहे हैं, तो यही सारी सोच जो है ये जो सोच है वो सबके दिमाग में आई और सबने यही किया कि हम भी सब तो दूध डाल रहे हैं तो क्यों ना हम एक गिलास पानी का डाल दें, इससे क्या चला जाएगा। आज ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में भी यही होता है कि हम ब्लेम गेम खेलते हैं, अपने काम अपने किए की जिम्मेदारी नहीं लेते और एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। ब्लेम से मुराद ये है हुकूमत बुरी है, हुकूमत ये है, ये नहीं हो रहा। अपॉर्चुनिटीज देखने की जगह हम शिकवे शिकायत में लगे रहते हैं और हमेशा एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। अब वो लोग जो कि जिन्होंने सब लोगों ने पानी डाला था, तो इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि पहली बात तो कि लालच बुरी बला है। सबने लालच की कि हम जो है पानी डाल देते हैं, लेकिन दूध सबने डाला हुआ तो एक गिलास पानी से क्या होगा। तो एक तो लालच थी, तो एक ये चीज़ थी कि उन्होंने जो किया तो उसको उसका नहीं मिला। और अच्छा, ये चीज़ें स्टोरी थी, एक सबक आमोज स्टोरीज होती हैं जो फिक्शंस होती हैं, तो इसकी वजह से आप लोग ऑब्वियसली यू ऑल नो कि ये कोई सच्ची कहानियाँ नहीं होती, ये सबक आमोज कहानियाँ होती हैं। लेकिन इससे सबक हमें क्या मिला, ये पूरी कहानी बताने का मकसद ही सबक था कि ब्लेम गेम ना खेलें, ना शुक्रिया ना करें, और जब तक हम खुद ना बदलेंगे, जब तक हम अहद ना कर लें कि हमें अपने आप को तब्दील करना है, हमें अच्छाई की तरफ जाना है, तो वो पूरी कौम की हालत नहीं बदलेगी। जैसे कि उस कहानी में बारिश नहीं हुई थी, इसी तरीके से हमारी कौम की हालत तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि हम खुद ना चाहें। अब अक्सर ये सवाल होता है ना कि सेल्फ जो है काउंसलिंग या खुद से सही होके क्या फ़ायदा, तो आप ये सोच लें कतरा कतरा दरिया बनता है। अगर आप मैं और हम सब अहद कर लें कि मुझे सही होना है, मुझे सही होना है, मुझे सही होना है, हमें अपने एंड से कुछ गलत या बुरा नहीं करना, तो पूरी कौम बदल जाएगी। जैसे कि इमेजिन करें कि अगर उस कुएं में सब के सब लोग जो है पानी की जगह दूध का गिलास डालते तो वो पूरा कुआं दूध से भर जाता। कहने का मकसद ये है कि कुआं भी जो है वो दूध से भर जाता। तो इसी तरीके से जब एक एक बंदा अहद कर लेगा कि हम जो है बदलेंगे, तो हमारी पूरी कौम की हालत भी बदल जाएगी। फिर हमें ये ब्लेम गेम नहीं खेलनी पड़ेगी कि हमारा माशरा ऐसा है, हमारी हुकूमत ऐसी है, कैसी भी हो। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी हुकूमत बहुत अच्छी या बहुत बुरी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हम ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं और सारी चीज़ें हम हुकूमतों या हुकूमती इदारों पर डालते हैं, तो खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। सबसे पहले एक सबक सीखें, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। आपके साथ आप जिस हाल में हैं उसके जिम्मेदार आप हैं, आप ये बात सोच लें। इंसान अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अगर बुरी है तो अच्छा करना आपके बस और इख्तियार में है, आप कोशिश करें कि उसे अच्छा कैसे कर सकते हैं। और बुरी है तो भी आप उसके जिम्मेदार हैं, कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया होगा या करते किया है जिसको आपको बदलने की जरूरत है। फिर वही सवाल आता है कि अगर आप अपनी हालत बदलना ही नहीं चाहें तो दुनिया की तमाम ताकतें आके लग जाए, आप नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आपने अहद कर लिया कि आपको बदलना है, पूरी दुनिया ताकत लगा दे आपको जो है गुमराह करने की, लेकिन आप अपने फैसले से नहीं हटेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कहानी और इस कहानी से कोई मोटिवेशन मिली होगी, और उसके साथ साथ आप लोग आज से ही अहद करेंगे कि आप, मैं और हम सब जो है अच्छाई की तरफ, अच्छी चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और ब्लेम गेम छोड़ दें, तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप मुझे कॉमेंट में बताइए कि आपको मेरा चैनल, मेरी स्टोरीज़, मेरी मोटिवेशनल सीरीज़, मेरी जो है मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़, मेरी इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस कैसी लग रही हैं, मुझे टॉपिक सजेस्ट करिए इन चीज़ों से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वो वीडियोज़ बनाऊँ आफ्टर रिसर्च। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।